ग्वालियर चंबल इलाके में 1992 के बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रीज ने दम तोड़ दिया। हालात ये बने कि फैक्ट्रियों के संचालक भाग गए तो वहीं सरकार ने उनकी जमीनों को अपने अधिपत्य में ले लिया। जेसी मिल का मामला भी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से 700 बीघा जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया। और ऐसे में वो मजदूर जिन्हें फैक्ट्री से मजदूरी नहीं मिली, अब नोटिस मिलने से परेशान है। 1800 से ज्यादा परिवारों के सामने संकट ये, क्या वो जाएं कहां। 1992 में बंद हुई ग्वालियर के जयाजी राव कॉटन मिल्स यानी जेसी मिल के मजदूरों के वेतन और दूसरे भुगतानों के बाद अब मकानों पर भी संकट मंडरा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिल प्रबंधन को दी गई 700 बीघा जमीन सरकारी घोषित होने के बाद अब नोटिस मिलने लगे हैं। सरकार की ओर से कई महंगे हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाने की योजना बन रही है, तो वहीं पिछले 70 से 80 साल से यहां रहने वालों के आगे छत का संकट खड़ा हो गया है। हमारा जो भी इलाका है, ये सारे लोग बहुत पुराने समय से रह रहे हैं और उनको सरकार ने बिजली कनेक्शन है, उनको नल कनेक्शन है। अब हमारी सरकार जो है ना, लोगों को बसाने में विश्वास रखती है और बसाएगी। आज भी बसे हुए, कल भी बसाएगी। माना जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार खुली पड़ी जमीन का आधिपत्य लेकर वहां हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है। सरकार इन प्रोजेक्ट से मिलने वाली राशि में से मजदूरों को भुगतान भी कर सकती है, क्योंकि मिल प्रबंधन को 1921 में 700 बीघा जमीन दी गई थी। इतने सालों में ज्यादातर जमीन पर बस्ती और कॉलोनियां बस चुकी हैं। ऐसे में सरकार निर्माण तोड़ने या हटाने की जगह लोगों से कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक राशि वसूल सकती है। स्थानीय विधायक और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि सरकार जो जनहित में होगा वही करेगी। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है कि उनका निधन हो गया और आज जो भी बचे हैं वो अपनी खुद की मेहनत की गाड़ी कमाई, उनका खुद का जो पैसा है वो आज तक उनको नहीं मिल पाया। ये कितनी बड़ी मतलब तकलीफ दे और कितना कष्टदायी बात है। दरअसल जेसी मिल में 8000 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। 1992 में मिल बंद होने के पहले से मजदूरों के वेतन और दूसरे भुगतान के साथ ही कई बैंकों का कर्ज भी कंपनी पर चढ़ा है। प्रबंधन ने 1992 में मिल बंद करने के बाद बकायेदारों को दिवालिया होने का हवाला दिया, साथ ही भुगतान से इनकार कर दिया। जिस जमीन को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी घोषित किया है, उस जमीन पर बसे लोगों को उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान पट्टे देने की बात राज्य सरकार ने कही थी, लेकिन वादा पूरा नहीं हो सका। वहीं अब लोगों को सरकारी नोटिस भी सताने लगे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।